जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। जब कोई एग्जीबिशन करती है तो उसके अंदर की सारी हुनर जो है वो निकालने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत बड़ी चीजें जो होती है आज की, अगर हम लोग नारी देखते हैं, नारी सशक्तिकरण का समय निकल गया है, क्योंकि नारियां हमारी अगर देखा जाए तो बहुत आगे निकल गई है। बहुत अलग अलग पैमाने में, अलग अलग पायदान पे लोग कार्य कर रहे हैं और उसको एग्जीबिट करना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने हमेशा एग्जीबिशन के अंदर कपड़े, खाने के आइटम, इसी को हमने हमेशा एग्जिबिट होते हुए देखा है। लेकिन अगर हम लोग देखें आज के दौर में, तो ये जो नारी शक्ति है ये विभिन्न अंगों में, आयामों में कार्य कर रही है, और जिस विभिन्न आयामों में या आयामों में काम कर रही है उसके अंदर का उसका प्रदर्शित होना बहुत जरूरी है। आज की हमारी नारी अगर हमने देखा जाए, अगर बारीकी से देखा जाए, तो हर कार्य के अंदर वो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। फिर वो सोल सेलिंग हो, फिर वो आपका अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रोफेशनल काम हो, अलग अलग स्टार्टअप्स हो। स्टार्टअप के कंपटीशन के अंदर, जब ये एग्जीबिशन के अंदर हमने स्टार्टअप को कंपटीशन लिया, उसके अंदर भी मतलब 80 से 90 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और जिसमें से आज 5 लोग चुने गए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो मतलब नारी शक्ति या नारियों की जो मतलब एक अलग जो पहचान है वो एग्जीबिशन के द्वारा होती है। एग्जीबिशन अभी आज के दौर में हम लोग कहीं भी अगर कोई शॉप लेके बैठते हैं तो वहाँ पर विशिष्ट लोग आते हैं, लेकिन जब एग्जीबिशन की बात आती है और जब हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जीबिशन करता है तो वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर होता है। और जीतो लेडीज विंग, यानी जीतो, जो आप हमेशा जानते हैं कि जीतो एक बहुत और जबरदस्त ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन जब कोई अगर ऑर्गेनाइज करता है एग्जीबिशन तो उसके अंदर हजारों लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वाइट जो करते हैं वो ऑर्गेनाइज करता है खुद, तो उसके अंदर ये प्रतिभा दिखाने का वो एक बहुत बड़ा अवसर होता है। इस 2 दिन के कार्यक्रम के अंदर केवल एग्जीबिशन नहीं है बल्कि टॉक शोज है, विभिन्न टाइप के अलग अलग हम लोग चर्चा सत्र रखे हुए हैं, तो इसके अंदर एक अच्छा सा एक मैसेज जाने वाला है कि एग्जीबिशन किस तरह से होनी चाहिए और आने वाले समय के अंदर हम लोग किस तरह से नारियों को आने वाले समय में देख रहे हैं। तो मैं इस जीतो लेडीज विंग के एग्जीबिशन को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कोविड में से निकले तो जैसे रूबरू करने का ओम प्रकाश जीरा का अध्यक्ष विजय बाबू सब ने नक्की किया, और फिर ये जो लेडीज विंग है इन्होंने धारणा की कि चलो कुछ करते हैं। ये एग्जीबिशन जो है ये एग्जीबिशन नहीं है, ये हमारे समाज के लड़कियों को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को एक स्टेज दे रहे हैं कि जिस स्टेज के ऊपर उन्हें ऐसा लगे, क्योंकि हम अगर बाहर के कोई भी एग्जीबिशन में जाते हैं तो हमें वहाँ का सेफ्टी का गारंटी नहीं होता है, कौन आने वाले कौन जाने वाले पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में है। आज पूना के कम से कम 3,000 फैमिलीज कनेक्टेड है, वो 3,000 फैमिलीज़ के लिए एग्जीबिशन हमने, 3,000 फैमिलीज इसमें तो आएगी, बाहर के लोग आएंगे, लेकिन उनके लगेगा हम हमारे परिवार में बैठे हैं। तो हमारे बहू बेटियों को सेफ्टी के साथ में उसका बिजनेस और वो क्या करती है ये हमारे समाज में गया, तो आज यहाँ नहीं लेने वाले भी, जब अगर कोई ब्राइडल सेट लेना है तो राका जी के पास आएगा, कोई शादी की कुछ ड्रेस बनाए तो अंदर जाएंगे, कुछ गिफ्ट आइटम लेना है तो उसका नंबर रात में रखेंगे, उसके पास से बना के लेंगे। बिजनेस एक दिन में नहीं होता है, बिजनेस में आपका पब्लिसिटी होता है, और ये पब्लिसिटी के बाद में जब जिसे जो चीज़ की जरूरत होगी वो चीज़ कर परचेस की जाएगी। लेकिन जो महिलाओं को हमारे ब्रांडिंग मिलेगा, क्योंकि दुनिया में बोला जाता है जैन, गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, ये माहेश्वरी, ये जो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा कपड़े ज्वेलरी परचेस करता है, और उनके सामने आपका ब्रांडिंग है। जय गणेश। जीतो ने, लेडीज विंग ने ये प्रोग्राम की हमारी सोच अलग टाई है कि आम जनता के पास पहुंचना ये जरूरी था। लेडीज को सिर्फ उनको बाहर निकालो, कुछ अलग अलग सा ये तैयार करो, और लेडीज इतनी सुंदर काम करती है कि जिसका अपने पास शब्द नहीं है, और लेडीज लोगों ने ये करके बताया, इसके लिए मुझे गौरव है उनके बारे में।
अभिमान और स्वाभिमान दोनों लेडीज के पास है। मैं तो वही सिखाता हूँ और वही आशीर्वाद देता हूँ। ये लेडीज विंग को मुझे फूलों में लेना है, हथेली में रखना है। क्यों रखना है कि उन्होंने कुछ करके बताना है। स्पॉन्सरशिप ये नाम है सिर्फ, ये सच्ची स्पॉन्सरशिप तो हमारे क्या है, ये लोग बोलते हैं स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप नहीं, मगर हम चाहते हैं कि भाई लेडीज हमारी लेडीज विंग को बोलो आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखना, देखो आगे बढ़ो, जीत जाओगे आप और जीतेंगे तो मेरा सीना खुल जाएगा। ये एग्जीबिशन लेने के पीछे ये थी कि लेडीज तो सारे एम्पावर तो है ही, बट एक पुश चाहिए रहता है। मतलब आप देखने जाओ तो सभी लेडीज की कुछ ना कुछ क्वालिटी है, बट उनको उस बॉक्स में से बाहर नहीं निकाला होता है। दे आर कम्फर्टेबल, इतने सालों से सब चल रहा है वैसे ही चलने दो एंड ऑल, वो कम्फर्टेबल होते हैं, तो उनको उस कम्फर्टेबल जोन से बाहर निकाल के और भी वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत एक्सप्लोर कर सकती है। ये इन मोटिव से ये बड़ा इनिशिएटिव हमने ट्राई किया एंड उसमें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सभी लेडीज ने मैं फर्स्ट इसमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी ज्वाइन हुए हैं एंड दे हैव एनहांस्ड देमसेल्व्स इतना ज़्यादा कि संतोष होते हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव, हमने ये किया वो किया, बहुत नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। सो दैट्स द मेन मोटिव थी लेडीज को उनके बॉक्स से बाहर निकाल कर और नई नई चीज़ें सीखने के लिए और उनमें जो एक क्वालिटी होते हैं वो उभर कर आई है एंड वो लोग तो मतलब अब इतने एक्साइटेड है कि फ्यूचर में भी हम लोग किसी तरह रात दिन बाहर निकलेंगे काम करेंगे इस टाइप से। जी तो लेडीज़ विंग ने जो ये इनिशिएटिव अभी लिया है एग्जीबिशंस के लिए, ये आफ्टर पैंडेमिक एक मस्त काम था कि हम लोगों को जो लेडीज़ घर से काम कर रही थी, काफ़ी लेडीज़ घर से बिजनेस कर रही थी ऑनलाइन बिजनेस, और तो हम लोगों को उनको एक प्लेटफॉर्म देना था कि मतलब वो भी लिया था। इसके पहले भी हमने एक एग्जीबिशन लिया जीतो ऑफिस पे, जिसको एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद फिर हमने एक स्टार्टअप कंपटीशन लिया, जिसके थ्रू हमने नए लोगों को मतलब जिन्होंने 2 साल से उनका वेंचर स्टार्ट किया है ऐसे लोगों को हमने कंपटीशन लेके उसमें से 5 स्टॉल्स को हमने इस एग्जीबिशन में कॉम्प्लीमेंट्री बीजेबी की तरफ से ये स्टॉल्स दिए हैं। यहाँ पे टोटल आप देखेंगे 90 स्टॉल्स है और ये सब रांका जी ने स्पॉन्सर किया है इवेंट। सो द मेन स्पॉन्सरर इज रांका जी एंड द स्टार्टअप स्पॉन्सरर इज बीजेबी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।